हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग टूल के क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। कल हमने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए, इसके नेक्स्ट आगे, इसके बाद हम इसरो के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, तो जो ड्रिल में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम बताना कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? कटिंग एंगल। ठीक है, यानी बिंदु कोण। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है? पॉइंट एंगल, यानी बिंदु कोण। ठीक, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ड्रिल सेंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो ड्रिल की सेंक में कौन सा टेपर होता है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि ड्रिल सेंक में किस प्रकार का टेपर होता है। तो पिन टेपर नहीं होता, मैट्रिक टेपर नहीं होता, कौन सा टेपर होता है? मोर्स टेपर होता है, जार्नो टेपर भी नहीं होता है। ठीक है, तो ड्रिल सेंक में कौन सा टेपर होता है? मोर्स टेपर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ये कंप्लीट, कि ड्रिल की में कौन सा टेपर होता है? मोर्स टेपर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रेंच का नाम क्या है? ठीक है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रेंच का नाम क्या है? तो कौन सा टेप रेंच का यूज करते हैं? टी हैंडल टेप रेंच का यूज करते हैं। कौन से टेप रेंच का यूज करते हैं? टी हैंडल टेप रेंच का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, M10 × 1.5 थ्रेड आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल का आकार कितना होगा? तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे, TS − 2D वाला, तो उससे हमारा कितना 8.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है? ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ड्रिलिंग में फीट को हम प्रदर्शित करते हैं मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो हम ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट को कैसे प्रदर्शित करते हैं? मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन में, और कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट को हम कैसे दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति मिनट हम कटिंग स्पीड को प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन साथ में रहते तो हमें कौन सा लगाना? जब भी फीड दे, फीड पूछे, तो mm प्रति रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो हमें वर्नियर कैलिपर है इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? डेप्थ बार। ठीक है, जो एक्स के रूप में चिन्हित है उस कौन सी बार है? डेप्थ बार। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm होता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से हम लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में भी माप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता कितनी होती है? ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट है उसमें प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता कितनी होती है? 3.1 degree होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर की परिशुद्धता कितनी होती है?
एक डिग्री होती है और 5 मिनट किसकी होती है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, VSSC थ्रू में भी पूछा गया कई बार। तो ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता कितनी होती है, 0.002 पर 10 mm प्रति लंबाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निशान देखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। जब हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग में पंच के निशान देखने के लिए कौन सी पंच का यूज करते हैं, तो कौन सी पंच का यूज करते हैं, डॉट पंच का यूज करते हैं, ठीक है। और पंच किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। डॉट पंच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है, उसे हम कौन सा कैलिपर कहते हैं, चेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को और कौन से नाम से जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑटलैक कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतह गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है, स्नग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। कॉम्बिनेशन सेट आपको दिखाया गया है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, प्रोटेक्टर हेड। ये जो दिखाया गया इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, प्रोटेक्टर हेड। अगला क्वेश्चन, इस समांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है, ठीक है। तो आपको जो ड्राइंग में पैरेलल ब्लॉक दिखाया गया है, इस पैरेलल ब्लॉक का नाम बताना कि इस पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है, क्या है, एडजस्टमेंट पैरेलल ब्लॉक, एडजस्टमेंट पैरेलल ब्लॉक। ये कौन सा पैरेलल ब्लॉक है, एडजस्टमेंट पैरेलल ब्लॉक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ए ग्रेड के वी ब्लॉक के लिए कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, हाई क्वालिटी स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए ग्रेड के बी ब्लॉक के लिए किसका यूज करते हैं, हाई क्वालिटी स्टील का। और बी ग्रेड का लिए हम किसका यूज करते हैं, बी ग्रेड का जो बी ब्लॉक होता है उसके लिए क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। कीबे के मार्ग से कोनों पर से पदार्थ को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, क्या होता है, 60 डिग्री होता है। इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी और चमड़ी की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो किसका यूज करते हैं, रॉस पकट फाइल का यूज करते हैं। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए कौन सी फाइल का यूज करते हैं, रॉस पकट फाइल का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस की लंबाई के साइड में थोड़ा बेवल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, फ्लैट सतह की फाइलिंग आसान करने के लिए हल्का सा बेवल करते हैं, ठीक है। तो फाइल के कटिंग फेसेस की लंबाई के साइड में थोड़ा सा बेवल क्यों करते हैं, फ्लैट सतह की फाइलिंग को आसान करने के लिए बेवल करते हैं। ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है, ओके।